दोस्तों आईपीएल के 28वें मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे बेहतरीन टीम एक दूसरे के साथ अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ी। दोस्तों अगर आप डेविड वार्नर को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों होम ग्राउंड पे दिल्ली टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है। दोस्तों दिल्ली की गेंदबाजी का सामना करने आए थे लिटन दास और जैसन रॉय की जोड़ी। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर ईशांत लेके आए थे। दोस्तों दूसरे ही ओवर में 15 रन कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में जुड़े ही थे कि 4 रन बनाकर लिटन अपना विकेट ललित के हाथों में थमा बैठे और केकेआर को लगा पहला झटका। रॉय का साथ देने उतरे नीतीश राणा भी कुछ खास रन बना नहीं पाए और 6वें ओवर में ईशांत ने मुकेश के हाथों कैच आउट करा दिया। 7 बॉल्स पे 4 रन बनाकर आउट हुए नीतीश। दोस्तों नाइट राइडर्स के खाते में 50 रन पूरे भी नहीं हुए थे कि 8वें ओवर लेके आए मिशेल मार्श के आखिरी गेंद में रॉय का एक आसान सा कैच मार्श ने के हाथों से मिस हो जाता है। दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का बॉलिंग स्पेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, दिल्ली के लिए एक प्यारा कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगता है दोस्तों नाइट राइडर्स की टीम अपना होमवर्क करना भूल गई थी और दिल्ली कैपिटल्स के शिक्षक उन्हें सबक सिखा रहे थे आज। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने एक तो स्कोर को बढ़ने नहीं दे रहे थे पर साथ ही साथ नाइट राइडर्स की कमर भी बखूबी तोड़ रहे थे। नाइट राइडर्स के खाते में 50 रन बने ही थे कि मनदीप हुए क्लीन बोल। दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस क्रूशियल टाइम पे इस टाइप के शॉट खेलना मनदीप के लिए सही था। दोस्तों 11 बॉल्स पे 12 रन बनाकर आउट हुए मनदीप अक्षर के ओवर में। 5वें विकेट के साझेदारी करने आए हिटमैन रिंकू सिंह। नाइट राइडर्स को आज रिंकू सिंह की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि आज उनका बल्ला चले और नाइट राइडर्स को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाए रिंकू सिंह की बैटिंग। लेकिन लगता है आज क्रिकेट के भगवान कोलकाता नाइट राइडर्स से बहुत ही नाराज चल रहे थे। दोस्तों कि 11वें ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में रिंकू सिंह एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं ललित के हाथों में। अक्षर की दूसरी सफलता थी ये। दोस्तों रिंकू 8 बॉल्स में 6 रन बनाकर पवेलियन लौटने में मजबूर हुए। दोस्तों ईशांत भी पीछे कहां रहने वाले थे, अक्षर के बाद अब उनकी बारी थी। रॉय के साथी खिलाड़ी सुनील नारायण को भी पवेलियन में बैठ के मैच देखने के लिए भेज दिया। डेविड वार्नर तो मानो दोस्तों फूले नहीं समा रहे थे और वो भी क्यों ना, क्योंकि उनके लड़कों ने आज उनकी छाती 56 इंच का जो बना लिया। दोस्तों 11वें ओवर तक कुल 70 रन ही बना पाई थी नाइट राइडर्स की टीम की। 5 विकेट निकल गए थे हाथ से। दोस्तों एक जेसन रॉय ही थे जो नाइट राइडर्स की उम्मीद बने हुए थे। आपको बताते दोस्तों कि नाइट राइडर्स की ये स्तंभ भी जल्दी ही धराशायी हो गया। कुलदीप मानो ये कह रहे हो कि भगवान आज तुमने मेरी लाज बचा ली। कुल 39 बॉलों में 43 रन बनाकर जेसन बंदूक ताने पवेलियन का रास्ता नापने लगे। दोस्तों कुलदीप के अगले ही बॉल पे अपनी हाजिरी लगाने अनुकूल रॉय भी बिना खाता खोले हाजिरी लगा के वापस पवेलियन लौट गए LBW आउट होके। दोस्तों मानो कुलदीप का दीपक मानो दोस्तों धू-धू होके जल रहा था और स्टेडियम में मौजूद लोग इसके गवाह थे आज। अनुकूल बिना खाता खोले ही चलते बने। 16वें ओवर तक कुल 96 ही बना पाई थी नाइट राइडर्स की टीम। एक बार फिर दिल्ली वालों ने लट दे मारी उमेश यादव के विकेट पे। नॉर्जे ने खुद अपनी ही गेंद में उमेश का कैच पकड़ लिया था। दोस्तों उमेश 5 बॉल्स पे 3 रन बनाकर आउट हुए। आंड्रे रसेल ही थे जो तारनहार थे नाइट राइडर्स के। 3 बॉल्स पे हैट्रिक छक्का लगा के 20वें ओवर में लास्ट बॉल पे ही दिल्ली कैपिटल्स को टीम ने चक्रवर्ती को रन आउट कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स को ऑल आउट कर दिया था और दोस्तों नाइट राइडर्स के बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए बहुत जोखिम के साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए 20 ओवर में 128 रन का लक्ष्य रखा था। रॉय ने कुल 39 बॉल पे 43 रन, लिटन 4 बॉल्स पे 4 रन, नीतीश 7 बॉल्स पे 4 रन, मनदीप 11 बॉल्स पे 12 रन, रिंकू 8 बॉल्स पे 6 रन, नारायण 6 बॉल्स पे 4 रन, रसेल 31 बॉल पे 38 रन, अनुकूल 1 बॉल पे 0, उमेश 5 बॉल्स पे 3 रन, चक्रवर्ती 6 बॉल्स पे 1 रन और 12 एक्स्ट्राज के साथ 127 रन कुल बनी थी 20 ओवर में नाइट राइडर्स। वही दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें, ईशांत 4 ओवर्स में 19 रन देके 2 विकेट, मुकेश 4 ओवर्स में 34 रन देके 1 विकेट, नॉर्जे 4 ओवर्स में 20 रन देके 2 विकेट, अक्षर ने 3 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट, मार्श ने 2 ओवर में 25 रन देके कोई विकेट नहीं ले पाए, कुलदीप ने 3 ओवर्स में 15 रन देके 2 विकेट। सो ये थी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने आए डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह की जोड़ी। दोस्तों मैदान में उतरते ही वार्नर ने तो मानो चौकों और छक्कों की फुलझड़ी लगा दी थी। दोस्तों 4 ओवर तक दिल्ली कैपिटल ने 34 रन बना लिए थे बिना कोई विकेट के। वार्नर ने 17 बॉल्स पे 24 रन और पृथ्वी ने 8 बॉल्स पे 9 रन बनाकर खेल गए थे। दोस्तों 5वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 रन जोड़े ही थे कि पृथ्वी को बोल्ड कर दिया चक्रवर्ती ने 3रे बॉल पे। 11 बॉल्स
पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए पृथ्वी। दोस्तों छठे ओवर तक 57 रन आए ही थे, दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर बोर्ड के कि मानो डेविड ने मार्श को रेस्ट करना देना चाहा, क्योंकि रन बनाने का मशीन जो चालू था उनका। एक तरफ से डेविड बॉलर्स को धोने का काम कर रहे थे और दूसरी तरफ से खड़े मार्श रन गिनते जा रहे थे। 7 ओवर्स में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 62 रन जोड़ ली थी मार्श के एक छक्के मारने के फिराक में, अपना कैच दे बैठे उसे के हाथों में। 9 बॉल्स खेल के 2 रन ही बना पाए थे मार्श। 8 ओवर में कुल 67 रन ही बना पाई थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। वार्नर के साथ देने आए फिल शॉर्ट भी दोस्तों आउट हो जाते हैं अनुकूल रॉय के बॉल पे। फिल ने 3 बॉल्स पे 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10वें ओवर में एक चौके के साथ वार्नर ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया था। दोस्तों अगर आपको वार्नर की ये हाफ सेंचुरी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक प्यारा सा कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों 13 ओवर्स में कुल 93 रन बने थे दिल्ली कैपिटल्स के खाते में। वार्नर 40 बॉल्स पे 57 रन और पांडे 16 बॉल्स में 13 रन बनाकर खेल रहे थे कि चक्रवर्ती ने वार्नर को LBW आउट कर दिया। दोस्तों 16वें ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स ने 110 रन जोड़ लिए थे कि पांडे जो 22 बॉल्स में 21 रन बनाकर खेल रहे थे वो आउट हो जाते हैं रिंकू सिंह के हाथों में। दोस्तों जीत के लिए अभी भी दिल्ली कैपिटल्स को 23 बॉल्स पे 17 रन चाहिए था कि अमन खान बिना खाता खोले चलता क्या नीतीश ने। दोस्तों मानना पड़ेगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने कांटे की टक्कर दी दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच में। लास्ट ओवर में दोस्तों 7 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए। अक्षर और ललित क्रीज पे डटे थे कि एक मिसफील्डिंग के कारण बैट्समैन रन चुराने में कामयाब रहे और दिल्ली कैपिटल्स ने मैच होम ग्राउंड पे जीत लिया था। दोस्तों हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं दोस्तों 29वें मैच में। जय हिंद।